सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मेरे साथ में है BMW की 3 सीरीज। इस कार के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो आता है, ये कार ऑटोमेटिक पार्क हो जाती है। लाइक आपको रोड पे चलाना है, आप जो है लाइक एक पार्किंग एंगेज कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको अंदर चल के बताने वाला हूँ। और ये कार खुद से पार्क होने लगती है, लाइक खुद रिवर्स होती है, खुद आगे होती है, स्टेयरिंग खुद से घूमती है। और ये चीज़ देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है और एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो चीज़ एक्सपीरियंस करी वो आप भी एक्सपीरियंस करो। तो चलो एक बार देखते हैं कि ये कार कैसे खुद से पार्क होती है। कार स्टार्ट करी, ड्राइव में डाली एंड अभी जो है वो मैं यहाँ से देख के आता हूँ कि कहाँ पर स्पेस जो है वो मुझे मिलती है। मेरे को मालूम है कि स्पेस वहीं है, ठीक है। कार कहाँ पर डिटेक्ट कर पाती है वो चीज़, ये पार्किंग जो बटन है, मैंने इसको ऑन या ऑफ अगर करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। और ऐसे देखते हुए चलता हूँ। आपको बिल्कुल नॉर्मली चलना है, लाइक क्रॉल करना है, स्पीड बढ़ानी नहीं। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये खुद से जो है डिटेक्ट जो कर रहा है कि पार्किंग स्पॉट्स कहाँ पर है कार के, वो डिटेक्ट करना बंद कर देगा। और अगर उसने डिटेक्ट करना बंद कर दिया तो फिर कार खुद से पार्क हो ही नहीं पाएगी। अब चूंकि मुझे पता है कि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं एक बार घुमा के लाता हूँ। और जहाँ पर मैंने पार्क करी थी, पार्किंग जहाँ मेरी अलॉट हुई हुई है मुझे यहाँ पर, वहाँ पर मैं आपको पार्क करके बताता हूँ कि कैसे जो है इसका पार्किंग फंक्शन जो है वो काम करता है। एंड अभी मैं ह्युंडई के ऑफिस आया हूँ। मुझे ह्युंडई की i20 एनालाइन लेनी थी यहाँ से, लाइक पिक करनी थी, तो वो मैं पिक करके और यहाँ से जाने वाला हूँ। तो लाइक एनालाइन ही पड़ी हुई थी और उसके बाद में इसकी 3 सीरीज़ की पार्किंग थी। तो अब जो है मैं देखता हूँ कि पार्किंग क्या अब ये डिटेक्ट कर पाती है कार या नहीं। तो मैंने फिर से एंगेज करा है, अगर ये डिटेक्ट करेगी तो वो यहाँ पर बताएगा। अभी मैं आगे लेके गया तब भी इसने डिटेक्ट नहीं करा। वापस से टर्न लेते हैं कि ये डिटेक्ट कर पाती है या नहीं डिटेक्ट कर पाती है। तो वापस से इसी लेन में लेते हैं, अगर डिटेक्ट करेगी तो ये बिल्कुल बताएगी। ओके, सपोज अगर यहाँ डिटेक्ट नहीं कर रही है तो रिवर्स एक बार लेके देखते हैं। क्यों नहीं डिटेक्ट कर रही है, लाइक ये हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पर एक बार पार्क करके देखा था कि ये जो डिटेक्ट प्रॉपर तरीके से कर रही थी, अभी अब क्यों नहीं कर रही है आपके सामने ये मुझे नहीं पता, बट जो है हो तो जाता है। ये देखो, चलो एक ग्रीन स्पॉट तो इसके अंदर आया है। तो एक बार रिवर्स लेके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ओके, अभी भी डिटेक्ट नहीं करा। रिवर्स असिस्टेंस जो है उसको भी ऑन कर रखा है। अभी खुद से जो है रिवर्स असिस्ट हो रहा है, लाइक स्टेयरिंग जो है ये खुद से घूम रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार कि होता है या नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। पार्क असिस्ट स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं। मिल गई। तो ये ऐसे पी लिखा हुआ आता है, बस आपको ऐसे इस पर क्लिक करना है और अब ये ऐसे बैठ जाना है मेरे को छोड़ के हाथ, खुद से कार पार्क होगी, मुझे कुछ नहीं करना है। अब ये रिवर्स आ रही है ऑटोमेटिकली और इंडिकेटर भी ऑन कर देती है कि कार किस तरफ आ रही है, लाइक इंडिकेटर का भी ध्यान कार खुद रखती है। अभी ऑटोमेटिक आगे जा रही है और आगे कितनी स्पेस वगैरह है वो खुद देख रही है। लाइक ये देखो, एंडेवर के बिल्कुल पास में चले गई थी वो। डर भी लगता है कई बार कि ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कहीं लग ना जाए, बट कहीं ऐसा हुआ नहीं। मैंने इसको पहले 2-4 बार एक्सपीरियंस कर लिया था आपको बताने के पहले, क्योंकि लिए मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। और अब जो है एक चीज़ मैं आप लोगों को उतर के बताऊंगा। ये देखो, पार्क खुद से हो गई है, व्हीकल सिक्योर्ड, तो सिक्योरली यहाँ पर पार्क हो गई और खुद से कार बंद भी हो जाती है। ऑटो ऑन ऑफ मैंने स्टार्ट करा हुआ है, दैट्स व्हाई। अब ये चीज़ आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है लाइक कर दो। अब मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ कि बाहर जो है वो कहाँ पर पार्क हुई है, किस हिसाब से इसको पार्क करा है इसके सेंसर ने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वाइट लाइन है वो यहाँ से लेके उधर तक दी हुई है। इधर अगर कार को आप देखोगे तो लाइक प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लेस हुई है, लाइक इसने वाइट लाइन जो है वो सेंस करी। ये लोग, इनको ये क्या पता है कि पीछे जो है रोड चल रही है वो चल रही है, बट ये प्रॉपर वाइट लाइन पे इस टायर को लाके रोक देती है। ये तीसरी बार है जो मैंने एक्सपीरियंस करी। डेफिनेटली कार पीछे से बाहर है, बिकॉज सारी फेस जो है वो कार दूसरी गाड़ियों की वो इस तरफ है, इस कार की फेस उस तरफ थी, इस वजह से प्रॉब्लम आई। और ये खड़ी है एनलाइन जो आगे मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ।
एक बार मैं क्विकली वापस इस तरफ इसको फेस करके बताने वाला हूँ आप लोगों को कि क्या ये वापस से पार्क होती है नहीं होती, अगर ऐसे मुझे पार्क करनी है तो। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो अभी यहाँ पर एक बार देखते हैं कि इसको पार्किंग स्पेस मिलता है कि नहीं मिलता है। सर्च करने ही बंद कर दिया इसने, तो मिल गई। तो अगेन ये जैसे ऐसे बहुत जल्दी आ जाता है वहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, आपको बता रहा था तो भाव खा रही थी खुद से। अब ये देखो खुद से पार्क होगी, है ना कमाल का मज़ेदार फीचर है। आई एम सॉरी, अभी आगे होगी। ओके मतलब लाइक ऐसे आप बैठे हो और खुद से चल रही हो, कितनी मस्त फील आ रही, कितनी अच्छी वाइब्स है अभी इस कार के अंदर, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मतलब एंडेवर, ग्लॉस्टर, इन सब चीज़ों में, इन लाइक सारी गाड़ियों में मैंने एक्सपीरियंस करी है ये चीज़ें। और फिर भी जब ये आगे जाती है, क्योंकि ग्लॉस्टर में गियर चेंज करने होते हैं, इसमें आपको गियर चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, और ये पार्क हो गई और ख़त्म। तो अब यहाँ पर ये स्पॉट पे जो है वो परफेक्टली कार पार्क हुई है, कार लंबी भी काफ़ी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक पार्किंग का BMW 3 सीरीज का। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ। इस कार का एक डिटेल रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको डेप्थ में एक एक चीज़ें जाननी है, फीचर जाननी है, कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, क्यों लेनी चाहिए, तो उस रिव्यू को आप लोग देख सकते हो। ड्राइव सेफ़।